देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में विजय प्राप्त करकर, सत्ता प्राप्त करकर लंबे समय तक सरकारें बनाने के लक्ष्य से नहीं है। हम राजनीति में जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई, तब से आजादी के आंदोलन के वक्त से जो लोग भारत को जानते थे, उनकी कल्पना के भारत बनाने के लिए हम राजनीति में आए हैं। लाखों लोगों ने बलिदान ऐसे भारत के लिए नहीं दिया था जिसकी दुनिया में कोई पूछ न हो, ऐसे भारत के लिए नहीं दिया था जो असुरक्षित हो, अशिक्षित हो। इसका दो तिहाई हिस्सा दारुण गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करता हो और विश्व में इसका कोई सम्मान न हो, ऐसे भारत के लिए आजादी का आंदोलन नहीं लड़ा गया था। आजादी का आंदोलन एक सशक्त, समृद्ध, सुरक्षित, शिक्षित और विश्व गुरु के स्थान पर बैठे हुए भारत की रचना के लिए लड़ा गया था और उसी लक्ष्य के लिए हम राजनीति में है और उसी लक्ष्य के लिए हम काम। जहां तक ये सीटों का सवाल है, जब से हम पार्टी बनाए तब से लेकर आज तक, 1950 से आज तक, हम जो कल्पनाएं लोगों के सामने रखे थे, हमारा एजेंडा लोगों के सामने रखे थे, इसकी पूर्ति के लिए जब इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का मौका दिया, मोदी जी पर भरोसा किया, मोदी जी को दो टर्म पूर्ण बहुमत का सरकार दिया, तब ये 10 साल हमने इसके लिए काम किया है। और मैं मानता हूं कि आजादी से लेकर अब तक के इतिहास में ये 10 साल भारत के विकास की दृष्टि से, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से और भारत के विश्व में गौरव को बढ़ाने की दृष्टि से ये भारत का स्वर्णिम काल रहा है। मगर मैं आज ये भी कहना चाहता हूं देशवासियों से, ये फुल स्टॉप नहीं है, ये शुरुआत है, अच्छा समय आने वाला है और अच्छा समय आने वाला है। और इसके लिए ये जो प्रयास हमने 10 साल किया है, जो प्रचंड जन समर्थन देश भर में आज नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को मिल रहा है, मैं देश के कोने कोने में गया हूं। चुनाव के पहले ही मैंने 136 सीटों का विजिट करा है। मैं आपको बता सकता हूं कि देश के कोने कोने से नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जनता खड़ी है। इसी के आधार पर हमने 370 के आंकड़े का लक्ष्य रखा है, 400 पार के आंकड़े का लक्ष्य। ये लक्ष्य हमारा वास्तविक भी है और मैं आज बड़े विश्वास के साथ देश की जनता को कहने वाला हूं कि आप एक बार, आपके मन में जो आशीर्वाद पड़ा है, प्यार पड़ा है, उसको मत में परिवर्तित कर दीजिए। 400 पार देखते देखते हो जाएगा और एक मजबूत सरकार बने।